नमस्कार दोस्तों, मैं शेफ पूनम, मेरे चैनल घर की रसोई में आपका स्वागत है। अगर आप केक खाने के शौकीन हैं लेकिन आपसे केक अच्छा नहीं बनता, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका केक बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी बनेगा और इस लॉकडाउन में आप अपने ही घर में बना सकते हैं ये केक। इसे बनाना बहुत ही इजी है और इसे आज हम कढ़ाई में बनाएंगे और इसके लिए हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं, उसे फॉलो कीजिए। तो चलिए इसे फटाफट बनाना सीख लेते हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। सबसे पहले हमें लेनी है कढ़ाई। आप चाहे तो इसे भगोने और कुकर में बना सकते हैं, लेकिन वो मोटी तल्ली का होना चाहिए। और इसमें हम एक कप सॉल्ट ऐड करेंगे। इसे हम चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला देंगे और इसे हम एकदम स्लो फ्लेम पे प्रीहीट करेंगे। प्रीहीट हमें 2 से 3 मिनट तक करना है। और इसके बाद हमने लिया है ये मोल्ड, आप किसी भी शेप का मोल्ड ले सकते हैं। और इसे हमने ग्रीस कर दिया है। इसके ऊपर से हमने इसी साइज़ का बटर पेपर कट किया है और इसे लगा दिया है। ऊपर से फिर से एक बार ग्रीस कर देंगे। हमें लेना है एक बाउल, इसमें हम 1/2 कप गर्म पानी और 1 टीस्पून इसमें कॉफ़ी ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरीके से घोल देंगे। और उसके बाद हमें एक बड़ा बाउल लेना है, 1/3 कप इसमें ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहे तो बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें शुगर पाउडर यूज़ करेंगे और ये हम 3/4 कप यूज़ करेंगे। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आप चाहे तो इसमें स्पून का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसमें हम एक स्ट्रेनर लगाएंगे और इसमें हम 1.5 कप मैदा ऐड करेंगे। ये रहा 1 कप मैदा। और इसके बाद इसमें हम 1/2 कप मैदा और ऐड करेंगे। इसके साथ साथ हमें ऐड करना है 1/4 कप मिल्क पाउडर, 4 टेबल स्पून इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, 1.5 चम्मच हमें इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है। और सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से छान लेना है। और ये देखिए, हमने अच्छी तरीके से इसे छान लिया है। और इसे हम पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स कीजिए और एक ही साइड में आप इसे मिक्स कीजिए, चाहे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें अब हमें ऐड करना है कॉफ़ी का, जो हमने पानी तैयार करके रखा था उसे ऐड कर देंगे। और इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ने चाहिए, वरना आपका जो केक है वो अच्छा नहीं बनेगा। और इसमें अब हम 1/2 कप नॉर्मल टेम्परेचर का मिल्क ऐड करेंगे और इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और मिक्स करते जाना है। और इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं पड़ने चाहिए। और ये देखिए, हमारा जो केक का बैटर है वो तैयार हो चुका है। इसमें हम 1 टेबल स्पून वेनेगर ऐड करेंगे। वेनेगर सबसे लास्ट में हमें ऐड करना है और इसे मिक्स कर देना है। और इसके बाद ये देखिए, बहुत ही अच्छा हमारा बैटर तैयार हुआ है। और ये बहुत रनिंग भी नहीं है, बहुत थिक भी नहीं है। अब इस केक बैटर को हमें, जो हमने मोल्ड तैयार करके रखा था ग्रीस करके, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसे हम चारों तरफ अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे और कहीं कम या ज़्यादा ना हो, बराबर हो। और इसको जब डालें, उसके बाद आप इसे टैप करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि टैप करेंगे तो एयर बबल्स नहीं पड़ेंगे। और ये हमारा जो नमक था वो गर्म हो चुका है। इसमें हम ये स्टैंड लगा रहे हैं। आप चाहे तो रिंग लगा सकते हैं, कुछ भी ना मिले तो आप इसमें प्लेट भी लगा सकते हैं। और इसे हमने इसमें सेट कर दिया है। और इसके बाद हम इसे कवर करके एकदम स्लो फ्लेम पे 30 से 40 मिनट तक कुक करेंगे। 30 से 40 मिनट हो चुके हैं। इसे हम टूथपिक से चेक करेंगे और ये एकदम क्लीन है, मतलब कि हमारा जो केक है बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। और इसे देख के कोई बता ही नहीं सकता है कि आपने इसे कढ़ाई में बनाया है। इसे हम डिमोल्ड करेंगे। डिमोल्ड करने से पहले इसे नाइफ से चला लेंगे और इसे पलट के टैप कर देंगे। और ये देखिए, हमारा स्पॉन्जी केक जो है बनके रेडी हो चुका है। इसका जो बटर पेपर था इसे हमने निकाल दिया है। और ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी है ये केक। तो आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने घर में सभी को खिलाइए। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना
बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप मैं मिलूँगी अपनी एक नई रेसिपी के साथ।